जल्दी बाहर नहीं आ सकते हैं बच्चे कुछ चीजों का डर आपने किस तरह से कंट्रोल किया आई थिंक मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे जो माता जो पिता थे उनका जो मुझे मिला उनका सहारा उनका प्रेम और स्नेह जो मुझे मिला घर पे वो उसने मुझे और एक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी बहुत एक प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की जो वो मुझे हमेशा समझ पाए और मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरे बच्चों से कभी कभी शायद अलग बिहेव करता था तो आई फेल्ट के उनका सहारा सब कुछ था मेरे लिए एंड आई थिंक दैट पेरेंटिंग एंड ऑल ऑफ यू आर पेरेंट्स इन दिस हाउस एंड आई फील के इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू फ्लाई नॉट जस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बट अगर आपके बच्चे घर पे एक 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 खासियत दिखाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप वही उनको वही दिशा दें जो आप चाहते हो उनके लिए उनको अपनी दिशा ढूंढ लेनी चाहिए प्लीज दे शुड फाइंड देयर ओन पाथ एंड यू शुड सपोर्ट देम ऑन दैट पाथ करण सर आपसे सवाल है कि आपने कहा कि सोसाइटी में कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं लैक ऑफ जी कई तरह के मिसकंसेप्शंस हैं और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो आपको लगता है कि इस गाने के थ्रू या फिर जो मिसकंसेप्शन है या लोग जिस तरीके से सोसाइटी में सोचते हैं वो बदलेगा या फिर इससे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है बिकॉज जो बदलना की जो बात करते हैं चेंज हैज़ टू स्टार्ट नाउ अगर जो यहाँ बैठे हर इंसान अपनी सोच बदल दे जो सोच कभी कभी किसी और दिशा में चला जाता है तो देन एवरीथिंग एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी वी कैन डेफिनेटली फील मोर एम्पावर्ड हमें अपनी पहले अपनी सोच बदलो फिर दूसरों के बारे में सोचो आप अपने सोच के आप अपने जहन में जाइए और उस बातों के बारे में सोचिएगा जो जो शायद बिल्कुल आर कम्प्लीटली नॉट रिक्वायर्ड दोज थॉट्स हैव टू चेंज विदिन तो पहले अपने आप को आप बदलिए फिर आप समाज के बारे में सोचिएगा वी हैव टू चेंज बिगिंस एट होम